गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्थ पाठ है, चौथे पाठ का क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास कार्य करेंगे, एक्सरसाइज। तो इसमें क्या दिया है? अभ्यास है, विसर्ग लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हर चैप्टर में उच्चारणम कुरुत का ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। जैसे पत्रम, पत्रम का क्या अर्थ है? मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, पत्रम यहाँ पत्ते के लिए आया है। पत्रम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। इसमें कैसे चलता है रूप? पत्रम पत्रे पत्राणी। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, और पत्राणी बहुत पत्ते, अनेक। फिर है पुष्पे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पे दो फूल। रक्त वर्णे, लाल रंग का होता है। कंदुकानी, कंदुक का मतलब क्या होता है था? गेंद। गृहम घर। पश्यते, पश्यति पश्यते, पश्य धातु देखना, दृश्य पश्य तो पश्यते। सुंदराणी, सुंदर के लिए आ रहा है। और समाचार पत्राणी, समाचार पत्र। दूरदर्शनानी, दूरदर्शन किसके लिए बताया था? टेलीविजन के लिए दूरदर्शन बताया था आपको, दूरदर्शनानी। तो ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरु। तो सबसे पहले जो भी पाठ आपका आता है, आप सभी के शब्दार्थ अच्छी तरह से लर्न करेंगे, शब्दार्थ आपको याद होंगे, वर्ड मीनिंग याद होंगे, तभी आप उसका हिंदी अनुवाद एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है उच्चारण करो, जिस तरह से मैंने बोला है ऐसे ही आप इनको बोलेंगे, लिख कर देखेंगे, ठीक है? ये आपको लिखने में आने चाहिए, शुद्ध लिखेंगे। सेकंड क्या है? मंजूसाते नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूसा जो हेल्प बॉक्स होता है उसमें कुछ शब्द होते हैं, तो वो उनसे आपको क्या करना है? नपुंसकलिंग पदों को चुनना है। जैसे पिछले अध्याय में हमने स्त्रीलिंग शब्दों को चुना था, उससे पहले पुल्लिंग शब्दों को हमने फाइंड किया था, निकाला था ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। तो आज इसमें आपको क्या करना है? नपुंसकलिंग पदों को चुनना है। तो नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब इसमें देखो, जैसे इस मंजूषा में आपके दे रखा है सरोवर है, बुक सभी के पास होंगे, अपनी बुक खोल लेंगे आप। तो इसमें सरोवर है, सरोवर क्या होता है? तालाब। तो ये तो है पुल्लिंग शब्द के लिए आया है, हमें सिर्फ इनमें से नपुंसकलिंग फाइंड करने हैं, चुनने हैं। तो नपुंसकलिंग शब्दों को मैं लिख रही हूँ, आप अपनी बुक से ये क्वेश्चन पूरा पढ़कर इनमें से नपुंसकलिंग शब्द आप लिख लें। उसके बाद है मंडूक है, ये भी पुल्लिंग में आता है। नहीं नहीं ये क्या आ जाता है? आंखों से। तो यहाँ पर मैंने आपको पाठ में पढ़ाए थे, एते नयने स्तः, ये दो नयन हैं, आंखें हैं, ठीक है? इनसे हम क्या करते हैं? देखते हैं। हंसो, ये हंस के लिए आया, दो हंसों के लिए। अब यहाँ फलानी शब्द जो है ये किस में आएगा? नपुंसकलिंग शब्द फाइंड करने हैं, नपुंसकलिंग। फल जो होता है वो नपुंसकलिंग में आता है, इसका रूप चलता है फलम फले फलानी। फलम आता है तो एक फल, फले आए तो दो फल, फलानी बहुवचन हो जाता है। तो फलानी ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द, ठीक। नेक्स्ट इसमें से हम करेंगे पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ये भी नपुंसकलिंग। फिर है इसमें पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, पुष्पे किसके लिए? पुष्प क्या होता है? फूल। पुष्पे दो फूल, और पुष्पाणी अनेक फूल, बहुत से फूल। उसके बाद है फलानी, ये आ गया इसमें, फलानी पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है इसमें चक्राणी, चक्र होता है पहिया, चक्रम चक्रे चक्राणी। आप बोलकर देख लेंगे ऐसे सब जहां भी आए, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, चक्रम चक्रे चक्राणी। तो ये सब नपुंसकलिंग शब्द। फिर है इसमें मित्रम,
नपुंसकलिंग मित्रम मित्रे मित्राणि ठीक है, पर्वता कक्षा कक्षा स्त्रीलिंग है और फिर क्या है कार्यानम ये नपुंसक कार के लिए है। ये हमने अभी इस मंजूषा से क्या किया है जो नपुंसकलिंग शब्द है उनको सुन लिया, ये क्या है नपुंसकलिंग शब्द है तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, इसमें क्या दिया है सर्वनाम पदानी रिक्त स्थानेषु पूर्यत, रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है सर्वनाम पद लिखने, तो सर्वनाम पद क्या दिए हैं इसमें ऊपर हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं सैतौते ये सर्वनाम पद प्रश्न नंबर थर्ड में ये सेकंड था हमारा फर्स्ट उच्चारण करना है ठीक है, तो इसमें सर्वनाम पदानि क्या हो जाएगा। अब इसमें सर्वनाम पद कौन कौन से हैं स तौ ते इनको पढ़कर आप बता सकते हैं कौन से हैं, ये हैं पुल्लिंग में आते हैं पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हैं एवचन द्विवचन बहुवचन, फिर है सा ते ता सा ते ता ये कैसे शब्द है सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग एवचन द्विवचन और बहुवचन, फिर है तत् ते तानि तत् ते तानि ये हो गया नपुंसक ठीक है। अब हम इनमें क्या करेंगे सेंटेंस को पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का शब्द है उसी में हम इस इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम शब्दों से उस वाक्य को पूरा करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है वाक्य क्या है ब्लैंक वायु याने वायुयान क्या है नपुंसकलिंग शब्द है, अब इसमें वायुयानम वायुयाने तो ये द्विवचन का हो गया, तो इनमें से नपुंसकलिंग द्विवचन क्या हो जाएगा ये एकवचन है ये नपुंसकलिंग है, तो तत् ते ये ते जो है ये द्विवचन का शब्द आ रहा है तो ये हम क्या कर देंगे ते वायुयाने वे दो वायुयान है हवाई जहाज है ठीक। नेक्स्ट सेकंड है इसका ब्लैंक विद्यालय अब विद्यालय औ मैंने पहले भी आपको बताया था जहां भी औ आ रहा है वो दो के लिए आता है सै तौ तौ तो ये क्या है तौ तो यहां क्या हो जाएगा तौ विद्यालय वे दो विद्यालय यहां पर क्या आएगा तौ। नेक्स्ट है छोटे छोटे सेंटेंस है ब्लैंक खाली जगह मित्रम अब मित्रम शब्द अभी भी मैंने बताया किसमें आया नपुंसकलिंग में आया मित्रम मित्रम मित्रे मित्राणी तो मित्रम एक वचन है तो एक वचन के साथ यह क्या आएगा तत् तत् मित्रम आप ये देख लेंगे ये शब्द कैसे आ रहे हैं अगर पुल्लिंग वाले हैं एक वचन है तो से लगाएंगे पुल्लिंग द्विवचन आ रहा है तो तौ लगाएंगे बहुवचन आ रहा है तो ते लगाएंगे ऐसे ही स्त्रीलिंग के देखेंगे फिर आप नपुंसकलिंग के ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक छात्रे अब छात्र शब्द है ये द्विवचन में किस में आ रहा है द्वि में तो करेंगे पुल्लिंग में तो आएगा तौ ठीक है छात्रा छात्रे तो ये आ रहा है स्त्रीलिंग के लिए छात्रा छात्रा एवचन छात्रे तो छात्रे द्विवचन के लिए क्या जाएगा ते छात्रे वे दो छात्राएं लड़कियां छात्राओं के लिए आ रहा है ठीक है। फिर तो इसका नेक्स्ट है इसका ये फिर से थर्ड का फिर
वर्ड है ब्लैंक ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या होता है? कूप होता है कुआं, संस्कृत में बोलते हैं इसको कूप है। तो ये कूप है, ये कुआं जो है ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। तो पुल्लिंग एक वचन में क्या आएगा? क्या है?
नेक्स्ट है ते केस पे, ते के स्पे। अब देखिए सबसे पहले तो आप यही पहचान करेंगे यहाँ क्या आया था, अस्थि। एक सेंटेंस किस तरह का है, अस्थि किसके लिए बता रखा था आपको, ये एक वचन के लिए, तो ये तो एक वचन का है। स्पे ये किसके लिए, द्विवचन के लिए, और संति बहुवचन। तो ते केस पे, अब उसमें क्या है कि वे दो क्या हैं दूर के लिए, तो वे दो क्या हैं, क्या हैं वे दो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, घर, तो घर को संस्कृत में क्या बोलेंगे, गृहम। तो ते गृह स्थ, क्या कर देंगे इसका, ते के की जगह हमें प्रश्न मार्क यहाँ लग रहा है, यहाँ किम के, तो के की जगह हम क्या कर देंगे, अब ग्रहण, ग्रहण एक वचन है, गृह द्विवचन हो जाएगा और ग्रहणी बहुवचन हो जाएगा। तो ते गृह स्थ, ते दो घर हैं, इसमें दिखाई दे रहा है दो घर है, दो ही है ना, यहाँ एक एक थी यहाँ दो। उसके बाद है एक एक के स्थ, ये दो क्या है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आप, ये दो बर्तन हैं। तो ये दो क्या है, अब बर्तन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पात्र, पात्रम, पात्रे, पात्रा। तो ये दो क्या है, एते पात्रे स्त, ये दो बर्तन हैं, पात्र का मतलब क्या होता है बर्तन, ये दो बर्तन, ये होगा द्विवचन। फिर पूछा है बहुवचन का प्रश्न, कानि कानि सन्ति, क्या है पानी, पानी की जगह हमें लिखना है इसका उत्तर, और यहाँ लिखेंगे तो पानी, अब पुष्प फूल होता है तो पुष्पम एक वचन है, पुष्पम पुष्पे बहुवचन के लिए क्या आएगा, पुष्पाणी। तो पानी पुष्पाणी सन्ति, वे सब क्या है फूल है। अब ये क्या है, तत्ते तानी, तानी तो दूर के लिए था और एतानी पास के लिए, तो ये सब क्या है, अब आपको ये क्या दिखाई दे रही है, पुस्तक। तो ये सब क्या है, पुस्तकानी, एतानी पुस्तकानी सन्ति।
ये सब पुस्तकें हैं। तो आज आप जितना मैंने करवाया है इस वीडियो को देखते हुए इस एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में नोटबुक में राइट करेंगे। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।